जलंधर कैंट बोर्ड में बीते दिनों हुई 154 पोस्टों की भर्ती पर रिश्वत को लेकर भर्ती करने के आरोप लगे हैं। इस पर कैंट बोर्ड दफ्तर में लोगों ने नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि कैंट बोर्ड मुलाजमों ने पैसे लेकर भर्ती की है और इसी को लेकर उन्होंने आज ये घेराव किया। लेकिन सीईओ कैंट बोर्ड ने कहा कि भर्ती में कोई भी कोताही नहीं की और ये इल्जाम बेबुनियाद है। जलंधर छावनी से सनी सहोता। इन्होंने साडे को मेरे को लिता 10 लाख रुपया राजू टवाल ने, ठीक है जी। मैं ना नौकरी मिली ना कुछ, उत्तर मैनू कहिंदा अपनी वोटी 11,000 च कच्चिया च रखा दो। मैडम भी नाल सी, मीनाक्षी लोहिया। जिन्ने भी बंदे पास होए आ कल्ले कल्ले भावे पेपर चेक कर दे, किसी ने पेपर दे नहीं गया, कोई ट्रायल दे नहीं गया, सारे एदी सिलेक्ट होए आ, पैसे दे के सिलेक्ट होए आ। ओवर एज साढ़े 2-3 महल्ले जनानियां वो ओवर एज रख हुई ना, वो ट्रायल देन गई, उन्होंने फार्म भी नहीं भर होए। 11,000 जो भी कर रहे बहुत नजायज कर रहे हैं। साड़ी पहली गल तो साड़ी तो उम्र निकल चुकी है, मगर मैं ये चाहना सी कि जेड़े बच्चे बेरोजगार है फिर कह देंगे नशे पढ़ते है फिर साढ़े महल बदनाम करते ये, मगर ये जेड़े अहदेदार बंदे इन्हू होश नहीं आती, इन्हू सुरत नहीं आती भी इन्हों का हक आ। इन्नी देर दे बेचारे गरीबी दे विच तुसी घर दे विच बढ़ के देखो, एक एक घर दे विच जिहदे विच बहुत सख्त जरूरत है नौकरी।